अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज हम निकले हैं थोड़ा सा कनॉट प्लेस और जनपद के लिए। तो बस अभी हमारे साथ बने रहे और देखते रहे मेरा व्लॉग एंड तक। अभी हम थोड़ा सा जा रहे हैं छोटी मोटी शॉपिंग करने, तो बस अभी हमारे साथ बने रहें और हमारे दिन को इंजॉय करें। चावल शंकर मार्केट का बहुत ही यम्मी होता है। हाँ, ये है मियाँ। थोड़ा थोड़ा खान है। ये है शंकर मार्केट। तो मैं चेकी है कनॉट प्लेस। ये हमारी शॉपिंग हो चुकी है और मेरा फेवरेट हाउस ऑफ स्कार्स, सारी चीज़ें हो चुके हैं और घर जा रहे हैं। इसमें मैंने लिए हैं पर्स, देख सकते हैं। तो इसमें ये वाले पर्स हैं, इसमें हैं सारे स्टूल्स, यू कैन सी शॉल्स एंड स्टूल्स, स्कार्फ्स। छोटे मोटे गिफ्ट्स की शॉपिंग हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर। मौसम बेहतरीन है आज का और फिर देखते हैं, क्योंकि कल है क्लास, तो क्लास की भी तैयारी करनी है। तो बहुत दिनों बाद हैंड्स ऑन क्लास है, तो हैंड्स ऑन में थोड़ा ज़्यादा वर्क होता है। घर भी साफ़ करो, कुकिंग क्लास की सारी तैयारी भी करो। ऑनलाइन में मज़े ये होते हैं कि आपको घर का ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहता है, बस इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो बस वही घर जाऊँगे, फिर वहाँ पर प्रिपरेशन करनी है और बस उसके बाद थोड़ा सा दिवाली सेलिब्रेशन के लिए फ्रेंड्स से मिलूँगी इंशाल्लाह। तो आप सबके दिन कैसे गुजर रहे हैं कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग डालूँ, लेकिन आजकल तो इतना बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी कि बहुत मुश्किल हो रहा है मुझसे। एडिटिंग के लिए लेके बैठती हूँ फ़ोन, बट मेरी हिम्मत नहीं होती है एडिटिंग कर पाती हूँ। तो बस वही है, दो दो तीन तीन दिन ले लेती हूँ एडिटिंग में, एक व्लॉग एडिट करने में। बस वही है, आप सब दोनों में प्यार रखें और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो मिलते हैं। आज होने वाली है क्लास और ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। चिकन, कर्ड, टमाटो, टैमरिंड, टमाटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर, कोरिएंडर। सो I'm ready। तो कल शॉपिंग से आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो इतनी वीकनेस हो जा रही है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर मैं जो है मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और फिर काफ़ी रेस्ट भी किया मैंने कल, और थोड़ी बहुत क्लास की प्रिपरेशन की, जैसे गार्लिक छीलना होता है, पील ऑफ करना होता है, बाकी थोड़ा बहुत पोटैटो बॉयल किया था। और कल मैंने डिनर में पोटैटो और पनीर मिक्स्ड पराठा बनाया था, बट शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस आज एक और ख़ूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। तो क्लाइंट आ चुके हैं नीचे, तो बस क्लास स्टार्ट होगी और आज बनाना है समोसा,
चटनी, टेमरिंड चटनी, लस्सी, बटर चिकन, दाल तड़का, पुलाव एंड गार्लिक पराठा। तो अभी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मेरा व्लॉग एंड तक। और यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मैंने इनको सिखा दिया है कि समोसा कैसे बनाना है। तो देखिए ये दोनों कितने अच्छे से डेडिकेशन से समोसा बना रहे हैं। और चटनी चढ़ चुकी है गैस पे, तो वो भी बन रही है। और उसके बाद अब ये लोग समोसे को फ्राई करेंगे और उसके बाद स्नैक्स वुड बी रेडी। और वो टेस्ट करने के बाद फिर हम मेन कोर्स में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और कितने डेडिकेशन से ये बनाते हैं, माशाल्लाह। और ये बन चुका है मेन कोर्स, दाल पराठा, बटर चिकन एंड पुलाव। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें इनके मील को। दोपहर में क्लास लेने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। दोपहर क्या, 3:30 बज गए थे क्लास ओवर होते होते। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर इनको चाय पीनी थी तो चाय बनाई। चाय पीने के बाद भी थोड़ा बहुत रेस्ट किया, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जा रही है। और सुबह 8 बजे से मैं लगातार खड़ी थी 3 बजे तक, तो 5-7 घंटे बहुत बुरा हाल हो जाता है। कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि चिकन था और दाल थी, तो फिर बस मुझे राइस बनाना था। तो प्लेन राइस मैंने बनाया और रोटी थोड़ी सी। तो फिर हम लोगों का डिनर हो गया। डिनर के लिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। उससे पहले हम एक फ्रेंड के यहाँ मिलने गए थे दिवाली, क्योंकि कल मैं निकल नहीं पाई थी। तो फिर आज मैंने कहा हो लेती हूँ, क्योंकि फिर कल और परसों मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। इवन 15th को तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है मेरा। तो बस ऐसे ही चल रहा है मेरा शेड्यूल भी और तबीयत भी। तो बस आप सब बने रहें और देखते रहें मेरे व्लॉग को एंड। आज बना है चिकन बर्गर, देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, बट कोई नहीं, आई होप टेस्ट में अच्छा होगा। तो बस हम रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं नादिरा आंटी के यहाँ थोड़ी देर के लिए। आज बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि थोड़ा सा जब ऑफिशियल वर्क होता है ना तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो बस कैसे बस हिम्मत करके मैं जा रही हूँ। फिर आने के बाद जो है वो सारा कुछ गिफ्ट पैक करना है, फिर उसके बाद कल सुबह की क्लास के का अरेंजमेंट करना है। कुछ चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं। तो आप सब बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरा व्लॉग देखते रहें। तीन फ्रेंड्स हैं और आप देख सकते हैं ये तीनों ऐसी क्या फ्रेंडशिप है कि तीनों बिजी हैं ओवर द फोन। ये कैसी दोस्ती है तुम लोगों की है, ऑनलाइन खेल खेल रहे हैं। ए, तुम लोग क्यों नहीं मिलते हो? तो चूंकि मैं यहाँ पे लेट पहुँची थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यारी सी आलमीन की स्माइल को। और उसके बाद अब हम स्नैक्स एंजॉय करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ स्नैक्स एंजॉय करें और देखते रहें मेरा व्लॉग एंड तक। मेरे व्लॉग में फर्स्ट टाइम आएंगी। मैंने आपका व्लॉग देखा है, मतलब मालिक ने भेजा था और फिर मैंने काफी कुछ देखा है, मालविका भी थी उसमें। ये वाला आपको जरूर देखना पड़ेगा। जरूर देखूंगी, मेरी फ्रेंड भी है इसमें। सब अच्छे अच्छे लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छा, मतलब समय कट रहा है हमारा। थैंक यू और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने प्यारे प्यारे मिले हैं। आप खुद भी प्यारे हैं, खुद भी बहुत प्यारे हैं। मुझे इतने लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है। जी 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 जी, हमारी ब्यूटीफुल होस्ट। नाउ वी आर बैक और बहुत अच्छा इवेंट था।
बहुत अच्छा गैदरिंग थी, बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आए थे इस बार, सादिया पालकी, आलमीन, मालविका, सुमा आंटी, परिणीति आंटी और इवन समीरा की फुप्पी से भी मुलाकात हुई और वो डिट्टो समीरा हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने समीरा को मिस भी किया और फुप्पी को देख देख के लग रहा था कि अरे ये तो समीरा ही है बिल्कुल भी। और समीरा हमने बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस किया और बहुत सारी बातें भी की और तुम्हारा वेडिंग एल्बम भी देखा, मुझे लगता है कि तुम्हें आज हिचकी भी आई होगी और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें आंटी ने बनाई थी और पेट बिल्कुल फुल हो चुका है और आज मैंने कैरी किया था ये वाला प्यारा सा क्लच जो कि मुझे मालविका ने आई थिंक 3 years back दिया था मेरे बर्थडे पे, 3 या 4 years back। और मैं हमेशा सोचती थी मैं कैरी करूँगी बट मैं भूल जाती थी, मुझे लगता था अच्छा कौन से ड्रेस पे कैरी करूँ क्या करूँ, फिर आज मुझे लगा नहीं मुझे आज ये कैरी करना है, तो मुझे बहुत प्यारा सा लगा। थैंक यू मालविका इतने प्यारे से क्लच के लिए। और बस अब जा रही हूँ मैं फ्रेशन अप होके, फिर जो बाकी गिफ्ट्स हैं वो पैक करूँगी, जैब की थोड़ी हेल्प लूँगी, जैब थोड़ा हेल्प कराओ, तुम हेल्प नहीं कराते, देखो सबके घर में बहुत लोग हेल्प करते हैं, अरसलान माशाल्लाह माशाल्लाह अरसलान सारे हेल्प करते हैं आंटी की, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। यस ओके नहीं यस मम्मा आई विल जी, नहीं सच में अरसलान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आंटी की हेल्प करते हैं और सब चीज़ बहुत ही अमीर थी और कबाब वॉज डिलीशियस, बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया। और जैब को आ रही है नींद और अभी मेरे को बहुत सारा काम है और कल की क्लास की प्रिपरेशन भी देखनी है और आज मीटिंग आई है तो कुछ यूटेंसिल्स मैं धोऊँगी वॉश करूँगी फिर देखती हूँ क्या कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ बने रहे हैं, देखते रहे मेरा। तो यहाँ पर गिफ्ट्स रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पे भी है, सारे गिफ्ट रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस कल सब अच्छे से हो जाए। यहाँ पे ये भी रेडी है आप देख सकते हैं और बाकी चीज़ें कोच में रखा चुकी हैं, तो बस ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब मैंने मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्लास की प्रिपरेशन करूँ, तो अब मैं क्लास की प्रिपरेशन मॉर्निंग में करूँगी इंशाल्लाह 4 बजे। और बाकी कोच में जो है वो मिनरल वाटर रखा जा चुका है, तो बस इंशाल्लाह अच्छे से सब कुछ हो जाए और कल मिलेंगे सिस्टर से और बाकी टीचर्स से। तो आप भी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मेरा व्लॉग। एक और खूबसूरत दिन अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, सूरज ग़ुरूब हो चुका है और सब लोग अपने अपने बेड पे जा चुके होंगे, तो अब बस मैं भी चल रही हूँ रेस्ट करने के लिए, नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त और कल मेड है छुट्टी पे। तो हाँ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शबा खैर, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।